बेगूसराय में चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को शहर के अलका सिनेमा हॉल में मंगलवार की शाम से दो शो में चालू किया गया है। इसको लेकर लोगों में गजब का उत्साह दिखा। शो की शुरुआत होने पर काफी संख्या में दर्शक यहां पहुंचे और तिरंगा लेकर सिनेमा हॉल के मालिक के साथ देशभक्ति नारे भी लगाए। बताते चले कि कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार को लेकर यह फिल्म बनाई गई है, जिसे लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। खासकर हिंदू संगठनों के द्वारा इसकी जमकर सराहना की जा रही है। अलका सिनेमा हॉल के मालिक कमल किशोर ने बताया कि फिल्म के रिलीज होने के बाद लगातार दर्शकों की मांग हो रही थी। लोगों की बढ़ती मांग को लेकर उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से विशेष आग्रह कर इस सिनेमा को फिलहाल दो शो में चलाने की शुरुआत की है, जिसमें काफी लोग इसे पसंद कर रहे हैं। कश्मीर में पंडितों पर किए गए अत्याचार की कहानी इस फिल्म में है। इसको लेकर वे खुद भी फिल्म के लेकर उत्साहित हैं। फिलहाल दो शो में फिल्म चलाई जा रही है। दर्शकों की डिमांड पर इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय से रविशंकर गन की रिपोर्ट। चर्चा था यही कि इस पिक्चर बहुत पब्लिक का डिमांड बहुत ज़्यादा है। विभिन्न जगहों से हमको फोन आया कि ये सिनेमा कोई चचा बोला, कोई भैया बोला, इसको लगाइए। तो हमने पटना में जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर को शेयर करने के लिए आग्रह किया, क्योंकि जो अगला पिक्चर था वो एक प्ले बुक था चारों से। लेकिन फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटर से बोला इसको शेयर कर दीजिए, पब्लिक डिमांड है और पब्लिक के ही वजह से सिनेमा हॉल चलता है। उसके डिमांड को पूरा करना सिनेमा हॉल मालिक का या उसके मैनेजर का मेरे आवश्यकता माना जाता है। तो इसलिए उस डिमांड के वजह से मैंने आज से इस सिनेमा को दो शो में कंटिन्यू कर दिया, और दो शो जो पहले से चल रहा था पिक्चर राधे श्याम, वो भी बहुत बड़े कास्ट का पिक्चर है, प्रभास का पिक्चर है जो बाहुबली बनाया था, फिर भी उस पिक्चर को काट के मैंने लोगों के सेंटिमेंट को, जो जनता यहाँ से हमको फ़ोन की या जो तरह तरह के दल के लोग फ़ोन किए, तो उसमें हमको लगा कि नहीं ये सिनेमा भी जो दर्शकों का आग्रह है उसको उसके लिए हमको इसको भी लगाना चाहिए। और मैंने उसी हिसाब से इसको 200 में 3 दिन के लिए लगाया। और मैंने इसलिए लगाया इस पिक्चर को, जो मैं जब से जन्म लिया तब से अभी तक कश्मीर के इशू को मैंने देखा था, जो वहाँ के पंडित लोग के साथ जो अपराध होता था। भले ही मैं कांग्रेस में काफ़ी दिनों तक रहा, यूथ कांग्रेस का, वो एक मेरा अपना व्यक्तिगत मामला था या मेरा अपना सोच था, लेकिन जो अत्याचार और जो अपराध उन लोगों के साथ होता था, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, इसलिए उस अत्याचार और उसके खिलाफ में जो ये पिक्चर बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर बनाने वाले को भी मैं श्रेय देता हूँ। और आडवाणी जी जो देख के रोने लगे, इसलिए हमको और ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ।